इसके अलावा तवाफ काबे का था, ये लोग दरगाहों का तवाफ करने लगे। बोसा देना हजरे अस्वद का था, ये लोग दरगाहों को चूमने लगे। बरकत वाला पानी जमजम का था, ये लोग कब्रों को धो के पीने लगे, यानी गुस्ल देकर। अब गुस्ल वाले पानी को तबरुक और बरकत वाला समझकर पीने लगे और बेचने भी लगे। हजरत जुंदुब रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से 5 दिन पहले मैंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना, खबरदार हो कि तुम में से पहली उम्मतों ने अपने और नेक मुर्दों की कब्रों को मस्जिद बना लिया था। तुम हरगिज कब्रों को मस्जिद मत बनाना, मैं तुमको इससे मना करता हूँ। सही मुस्लिम हदीस नंबर 488। दूसरा, कब्रों पर मस्जिद बनाने वालों पर लानत। इन लफ्जों का यह मतलब नहीं है कि कब्रों पर कोई मस्जिद बना डाले तो उस पर लानत, बल्कि इसका मतलब यह है कि जितनी ताजीम और अदब मस्जिद की होनी चाहिए, उस कब्रे की ताजीम और अदब बढ़ा देने पर लानत फरमाई है। अब सुनिए और इंसाफ कीजिए। आपने किसी मस्जिद में सोना या चांदी के दरवाजे नहीं देखे होंगे, मगर कुछ दरगाहों में आपने देखे होंगे, कहीं कहीं तो सोने चांदी की जालियां होती है और कहीं कहीं तो दरवाजे भी बने हुए देखे होंगे। जब कब्रें सजाई जाती है तो उन कब्रों की इज्जत और अदब वो ताज़ीम जामा मस्जिदों से भी बढ़ जाती है। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बढ़ जाती है और मस्जिद अल हरम काबा शरीफ से भी बढ़ जाती है। आप कहीं भी किसी भी मुल्क में किसी कस्बे या शहर में किसी मस्जिद में नमाज पढ़ने जाएंगे तो आप अपने जूते मस्जिद में ले जाना चाहे तो ले जा सकते हैं और एहतियात से रख सकते हैं। यहाँ तक कि जो लोग हज को जाते हैं वे मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी जूतियाँ रख सकते हैं और काबा शरीफ के अड़ोस पड़ोस में भी आप जहां चाहे अपनी जूतियां रख सकते हैं, लेकिन आप अपनी जूतियां दरगाह में नहीं ले जा सकते क्योंकि अब उस दरगाह का मर्तबा मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और काबा शरीफ से भी बढ़ गया है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई आदमी नमाज पढ़े तो अपनी जूतियों को दाएं बाएं न रखे, इसलिए कि बाएं जानिब रखना दूसरे के दाएं जानिब रखना होगा, बल्कि जूतों को पांव के दरमियान रख ले। अबू दाऊद हदीस नंबर 649, इब्ने माजा हदीस नंबर 1452। इसके अलावा तवाफ काबे का था, ये लोग दरगाहों का तवाफ करने लगे। बोसा देना हजरे अस्वद का था, ये लोग दरगाहों को चूमने लगे। बरकत वाला पानी जमजम का था, ये लोग कब्रों को धो के पीने लगे, यानी गुस्ल देकर। अब गुस्ल वाले पानी को तबर्रुक और बरकत वाला समझकर पीने लगे और बेचने भी लगे। गिलाफ तो काबे पर चढ़ाया जाता था, ये लोग कब्रों पर हजारों रुपए की कीमती गिलाफ चादर चढ़ाने लगे। सजदा अल्लाह ताला को था, ये जाहिल कब्रों पर सजदा करने लगे। अदब से हाथ बांधकर नमाज में खड़े हो रहने का हुक्म था, ये लोग कब्र पर हाथ जोड़े खड़े रहने लगे और दरगाह से बाहर निकलेंगे तो उस वक्त ये जाहिल लोग दरगाह को पीठ देकर नहीं निकलेंगे, बल्कि उल्टे पैर पीछे हटते हटते बाहर निकलेंगे। हज को जाने वाले हाजी लोग काबे को पीठ देकर वापस हो सकते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे को पीठ देकर बाहर निकल सकते हैं, मगर दरगाह को पीठ देकर बाहर नहीं निकल सकते। जहालत की भी कोई हद होती है, कोई इंतहा होती है। कब्रों पर चिराग जलाने वालों पर लानत, उन पर हदीस में देख ले। अब आप ही अंदाजा लगा लीजिए कि आज इन दोनों तरीकों के सिवा कब्रों और मजारों पर क्या कुछ नहीं होता, यानी कब्र का तवाफ करना, कब्रों को धो धोकर पीना, वहां पर हाल चढ़ा के सर धुनना, मुशायरा और कवाली करना, रंडियों का गाना, मजार पर सजदे करना, नियाज व नजर चढ़ाना, हाजते मांगना, मासूम बच्चों को तुर्बतों पर लटकाना, लोबान दानी की खाक चाटना, घोड़े लटकाना, पालने टांगना, डोरे धागे मजारों की जालियों में अपने अपने नाम के बांधना और तुर्बत पर घुमा घुमा कर डेरों को अपनी गर्दनों, बाजुओं, कमर और पेड़ों पर बांधना, ये तमाम काम नाजायज व हराम और गुमराही व जहालत के तरीके हैं,
जो इंसान को शरीयत से महरूम करके शिर्क व कुफ्र तक ले जाते हैं। Gracias.